हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बिने टूर में। आज मैं हूँ महादेव की नगरी बनारस में। तो आज काशी में होने वाला है मसान की होली, तो चलते हैं वीडियो में। आप सभी को आज वही में दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर मसान की होली कैसे खेली जाती है। जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अभी हम चल रहे हैं ललिता घाट की तरफ, और वहाँ से चलेंगे मरकट का घाट, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मसान की होली। दोस्तों, ये है ललिता घाट, और सामने देख रहे हैं आप, सामने की तरफ ये जो पुल दिख रहा है, ये नदी में स्नान करने के लिए प्रधानमंत्री जी जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण कर रहे थे, तो यहीं पर उन्होंने स्नान किया था। आप लोगों को अगर वीडियो देखा होगा तो याद ही होगा। और अभी भी यहाँ पे निर्माण कार्य चल ही रहा है, कंस्ट्रक्शन काम, पत्थर लगाए जा रहे हैं, और इस तरफ घाट भी अभी नहीं बना है, तो घाट पर भी काम चल रहा है। और इस तरफ देखेंगे आप, मशीनें लगी हैं। दोस्तों, इधर देखिए सामने वहाँ शमशान घाट, मरकट का घाट कहा जाता है, जहाँ पर कभी लाशों की अग्नि नहीं बुझती है, उस घाट पर आप देख रहे हैं कि डमरू की डमडम करता हुआ आवाज के बीच, जलती चिताओं के बीच, ये चिताओं की भस्म से खेली जा रही होली। यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग, यहाँ के बनारस के लोग, बाहर दूर दराज से लोग भी इस होली को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर रंग बिरंगी होली से ही शुरुआत हो जाती है। कल शायद यहाँ पर फूलों वाली होली थी, और आज 15 मार्च यहाँ पर मसान की होली खेली जा रही है। अद्भुत दृश्य है बनारस का। बनारस कहा जाता है भगवान शिव की नगरी पर नगरी है, यह भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई एक नगर है, जहाँ पर यह रूप आपको देखने को मिलेगा। यह बनारस आज पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व में प्रसिद्ध है। तो चलिए आप लोगों को नज़दीक से दिखाते हैं इस शमशान घाट पर खेली जा रही मसान की होली को। हमारे पीछे की तरफ आपको दिखाता हूँ, ये है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का पहला गेट, और ये सीढ़ियों का भी निर्माण कार्य अभी देख रहे हैं आप। फिलहाल चल ही रहा है, किनारे से अभी पूरा कार्य नहीं हुआ है, और ये रास्ते पर लोग आ जा रहे हैं। यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रालियाँ मशीनें लगी हुई हैं, अभी भी कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है। ये फिलहाल किनारे से रास्ता बना दिया गया लोगों को आने तक इस मरकट का घाट के लिए, और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को लिए भी एक किनारे से रास्ता है वहाँ तक जाने के लिए, और ये सीढ़ियों से भी रास्ता खुला हो जहाँ पर लोग जाते हैं। अद्भुत है काशी, अद्भुत हैं काशी के लोग। दोस्तों, कहा जाता है काशी पे, काशी में जो मरता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। और आप देख रहे हैं चिताएं की लपटें उठ रही हैं, जल रही हैं, और इन लपटों के बीच में यहाँ के लोग कैसे नीचिताओं की राग से भस्म की होली खेल रहे हैं, आपको हम और नज़दीक से दिखाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ऊपर देख रहे हैं लोग, 2-3 तक जहाँ तक है सब वहाँ बालकनी से घेरे हुए हैं, वहाँ से देख रहे हैं। वहाँ पर साउंड चल रहा है, और डमडम डमरू की थाप पर लोग थिरकते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कोई रंग गुलाल नहीं है, कोई अबीर नहीं है, यहाँ पर है तो सिर्फ चिताओं की भस्म, चिताओं की राखें जो जल रही हैं या जल चुकी हैं, और इन्हीं को उड़ा करके यहाँ पर होली मनाई जा रही है। अब देख रहे हैं यहाँ पर किन्नर समाज के जो भी साधु होते हैं वो लोग आए हैं, और घाट के जो डोम होते हैं जो लाशों को जलाते हैं, वो यहाँ पर महाशमशान घाट के जो भी उनके आराध्य हैं या देवी देवता हैं, उनकी पूजा आरती करने के बाद इस होली की शुरुआत करते हैं। और आप देख सकते हैं सामने की तरफ डमडम की थाप पर थिरकते हुए जहाँ के लोग, बनारस के लोग और दूर दराज से आए लोग इस पल को कैमरे में भी कैद करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं सामने की तरफ आरती की थाली जा रही है, और किन्नर समाज के लोग यहाँ से देख सकते हैं डमरू लिए, उसके आगे कलश लिए, नाचते गाते हुए अपना आगे घाट की तरफ बढ़ते हुए। Thank you.
की तरफ आप देखेंगे वहाँ से लोग खड़े होकर देख रहे हैं, और इस तरफ में आप सामने की तरफ देखें डमरू की थाप पर किन्नर समाज के जो भी साधु संत हैं, आप आगे की तरफ बढ़ते हुए महाशमशान की तरफ, यहाँ से एक अद्भुत दृश्य आपको देखने को मिलेगा जो और कहीं नहीं आपको नजर आएगा। ये है काशी, ये है बनारस की एक अलग पहचान, एक अलग स्वरूप जिसे आप देख रहे हैं। हर कोई अपने मोबाइल अपनी कैमरे में कैद करना चाहता है इस क्षणिक पल को, और आप देखेंगे दोस्तों जहाँ एक तरफ चिताएं जल रही हैं वहीं दूसरी तरफ लोग किस तरीके से होली मना रहे हैं। रंग बिरंगी गुलालों की जगह भस्म से की राख से होली मना रहे हैं, अपने ऊपर उछाल रहे हैं, लोगों के ऊपर उछाल रहे हैं। यह दृश्य शायद ही और कहीं देखने को मिलेगा कि बनारस की एक अलग ही पहचान को दिखाती हुई, जहाँ पर लोग जाने से डरते हैं आने से डरते हैं वहाँ पर नाच रहे हैं गा रहे हैं और भगवान शिव की मस्ती में झूम रहे हैं। ऐसा माना भी जाता है कि ये लोग शिव को अपना आराध्य मानते हैं, शिव को पूजते हैं। शिव को कहा जाता है कि उन भूतों के साथ रहते थे, उनका भूतों का साथ रहता था, उनके साथ में नाचना गाना तांडव करना, और उसी का धारण करते हुए ये लोग भी उन्हीं की तरह भगवान की शिव की भक्ति में उनका नाम लेकर के उनके मंत्र का उच्चारण कर करके यहाँ पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। आप इस पल को देख रहे हैं, एक अद्भुत ही दृश्य आपको बनारस से नज़र आ रहा है देख रहे हैं। यहाँ पर अब अबीर गुलाल भी उड़ाया जा रहा है, और बालकनी से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे, नीचे से देखेंगे, जलते चिताओं के बीच से भी लोग खड़े होकर इस छड़ को देख रहे हैं। ये देखिए गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, उस तरफ से भस्म भी उड़ाई जा रही है, और यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या जो भी भक्त हैं जो भगवान शिव के भक्त हैं देख सकते हैं यहाँ पर उनकी संख्या कितनी है। और ये डमरू इतने बड़े बड़े डमरू दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ भक्तों हैं जिनकी टोली इकट्ठा हुई है, और इस जो है भगवान शिव के शिवलिंग के पास बैठ करके ये लोग अपनी मस्ती में भगवान शिव के मंत्र का उच्चारण करते हुए भगवान शिव का नाम लेते हुए रंग बिरंगे भस्म लगा करके गुलाल लगा करके ये लोग देख रहे हैं कैसे थिरक रहे हैं गा रहे हैं। और इस तरफ है आप देख रहे हैं माँ गंगा की धारा जो है मणिकर्णिका घाट। दोस्तों यह घाट पूरे दुनिया में जाना जाता है अपने सामने देख रहे हैं भस्म अब वहाँ से फेंका जा रहा है, वहाँ पर जो यहाँ के डोम होते हैं वो लोग हैं सामने। इन लोग जो है अपने आप को इनका डोम घराना जो है बहुत ही पुराना है, और जिस जो मणिकर्णिका घाट है यहाँ पर कहा जाता है कभी चिताओं की लाशें नहीं बुझती हैं, निरंतर जलती रहती हैं, और ये लोग इसी में ही इनका परिवार रहता है, यहीं पर खाना बनाता है खाता है। तो डोम घराने का जो राज है वो यही है कि डोम घराने के लोग जो है इन्हीं चिताओं की लकड़ियों पर भी खाना बना लेते हैं ऐसा कहा जाता है। और आप देख रहे हैं इस चिता की राख से इस भस्म से आप होली खेल रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर इसी तरीके किसी नई वीडियो में फिर से किसी नई जगह पर। तो जो भी लोग नए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको